दोस्तों आत्मिक मन्ना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर दिन की बात थी, आज भी हम आपके बीच में प्रभु के प्यार को लेकर आए हैं। एक छोटा सा प्रार्थना के द्वारा, एक छोटा सा क्रॉस के द्वारा अभी हम उस वचन में जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके करीब आते हुए आपसे दुआ करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु जी। और तेरे पिता परमेश्वर के वचनों से हम लोग सीखते हैं, या पिता परमेश्वर जितने लोग देखते हैं, ये सब लोग के जीवन में प्रभु आपकी आत्मा कार्य करने पाए। इस सभा को शुरू से आखिर तक प्रभु अपने आत्मा के नियंत्रण में आप ले लीजिए, दया कीजिए, आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। सारा आदर जलाल प्रभु जी हम आपको देते हैं। ये छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से स्वीकार करें, आमीन। पिता तेरे वंदना हम करते हैं, पिता तेरी वंदना हम करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना हम करते हैं, यीशु तेरी वंदना हम करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना हम करते हैं, आत्मा तेरी वंदना हम करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, पिता हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा हम तुझे प्यार करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अभी हम लोग पिता परमेश्वर के प्यार, सुरक्षा और अनुशासन के बारे में कुछ बातों में सीखते हैं। इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, जैसे हम यिर्मयाह 31 का 3 पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हालेलुया। यहाँ स्पष्ट लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझ पर तुझे सदा प्यार करते आया है और अभी आपके ऊपर करुणा बनाए रखूंगा। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर हमें सदा प्रेम करते आया है और आगे भी हमें प्यार करेगा। प्रभु का प्रेम है, प्यार है, जो अभी हम दुनिया में हैं और सब कुछ करते हैं, ये प्रभु का प्यार ही है। हमारा कोई खूबी नहीं है, हमारी कोई विशेषता नहीं, बल्कि प्रभु का प्यार है जो हमें अभी इस दुनिया में सुरक्षित रखा है। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, हम परमेश्वर का संतान कहलाए, और हम है भी, और हम है भी,
इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पिता हमसे प्रेम करता है और हर एक प्रेम रखने वाला पिता को जानता है, लेकिन जो पिता को नहीं जानता उस प्रेम को भी नहीं पहचानता है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं, पिता हमसे प्रेम करता है और हमें जानता है, और जो प्रेम नहीं करता वो पिता को भी नहीं जानता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान रखना है, हमारा परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम करता है। और हम देखेंगे दूसरा राजा 6:15-18। भोर को परमेश्वर के वक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए है। तब उसके सेवक ने उससे कहा हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। उसने कहा मत डर क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोली और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब आरामी उसके पास आए तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं, आरामी सेना जब एलिशा और गेजी के चारों ओर यहाँ पर सेना लेकर के घेर लिया, सुबह में जब एलिशा का सेवक गेजी जब जगा है तो देखा है हम घिरे हुए हैं, दुश्मन की सेना से घिरे हुए हैं, उसको डर हो गया, वो जाकर एलिशा से बोलता है, हे प्रभु अभी हम मरने वाले हैं क्योंकि दुश्मन ने हमारे चारों तरफ घेर लिया। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो तुम्हारी ओर है, जो उनकी ओर है उससे अधिक है। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और देखा कि हमारे चारों ओर परमेश्वर का स्वर्गदूत अग्नि में सेना घिरे हुए है। और उसने उस आरामी सेना को जो उससे नुकसान करने के लिए, नष्ट करने के लिए आए थे, उनके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी। यहाँ पर हम देखते हैं पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। जो परमेश्वर भरोसा रखता है, परमेश्वर दुश्मनों से, हर एक बुरे लोग से परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। दूसरा वचन को हम लोग देखेंगे दानियल 3:23-25 तक। और उसी धड़कते हुए भट्टों के बीच ये तीनों पुरुष सदरक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबुकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष को बंधे हुए नहीं डाला। उन्होंने राजा को उत्तर दिया हाँ राजा सच बात है। फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच
खुले हुए टहल रहे हैं, खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है, ईश्वर के पुत्र के सदृश है। यहाँ पर हम देखते हैं सदरक में सब अवध लघु राजा लघु धनेश्वर धधकते हुए आग की भट्टी में डाल दिया। और वहां पर हम देखते हैं आग की भट्टी में डालने वाला जलकर मर गया, लेकिन जिसको डाला गया वो लोग आराम से उसमें टहल रहे थे। उसमें बचाने के लिए लिखा है परमेश्वर के पुत्र के सदृश उसके अंदर टहल रहे हैं, उनकी एक बाल भी नहीं झुलसा। मेरे प्रिय, यहाँ पर देखते हैं अगर हम सच्चा दिल से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारी आग में भी हमारे लिए रक्षा करने के लिए उतर जाता है। आग में भी अगर दुश्मन हमें डाले वहाँ भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। तो हमने दो बातों को देखा, परमेश्वर हमको दर्शन देकर कहा मैं तुम्हें प्रेम करते आया। जो परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। और दूसरी बात हमने देखा है परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। और तीसरी बात को हम लोग देखेंगे Ephesians 4:3 और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा का एकता रखने का यत्न करो। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर हमें डिसिप्लिन में अनुशासन में रखता है। जैसे तैसे अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो जैसे तैसे जीवन जीना चाल चलना वो नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें डिसिप्लिन में रखता है और हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं। और आगे हम देखते हैं याकूब 1:2-4 हे मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहाँ पर देखते हैं जब परमेश्वर हमको परीक्षा से होकर समस्या से होकर लेकर जाता है, इसका कारण है परमेश्वर हमको इसलिए डिसिप्लिन में रखना चाहता है ताकि हम सिद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर हमें अनुशासन रखना चाहता है। इस चौथी बात को हम देखेंगे Philippians 4:19 मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला है। और मत्ती की किताब में उसके देखते हैं 6:31-32 में लिखा है इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, वस्तुओं की चिंता में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारे प्रियो, आज या कभी भी मनुष्य की एक ही बात की चिंता सताती है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा। वचन कहता है कि अन्य जाति बोलते हैं जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं वो सब इन वस्तुओं को उदारता से चिंता करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं को चाहिए, इसलिए वो तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है।
हमने चार बातों को देखा, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, दूसरी बातों को मैंने देखा परमेश्वर मेरा सुरक्षा करता है, तीसरी बातों को मैंने देखा परमेश्वर हमको डिसिप्लिन में रखना चाहता है, और चौथी बातों को हमने देखा परमेश्वर हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी हमारे लिए प्रबंध करने वाला है। तो प्रभु इस वचनों से आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना के साथ इसको विराम देंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन जिसे कहता है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सुरक्षा है, परमेश्वर अनुशासन रखने वाला है, परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा जो भाई बहन है बच्चे प्रभु जी इसको सुनते हैं, आपके ऊपर भरोसा रखने का प्रभु उनको आत्मा दे, विश्वास की आत्मा उनके अंदर दे, ताकि वो प्रभु आपके वचनों के ऊपर विश्वास करें और प्रभु अपने जीवन में अद्भुत आशीष को महसूस करने पाए। सारा आदर जलाल प्रभु जी हम आपको देते हुए ये छोटी सी गिनती उधार करता प्रभु इस मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम इस मसीह का अनुग्रह पवित्रात्मा का शांति और सौभाग्य हम सब भाई बहन बच्चों के साथ इस मसीह आपके दोबारा आगमन तक हरेक तेरे विश्वास रखने वाले पवित्र लोगों के साथ बना रहे, आमीन। आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू।